नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नए साल में इस विभाग में होगी बहाली। बिहार में सरकारी नौकरी के चाह रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। आने वाले साल यानी कि 2022 में बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल 291 पदों पर बहाली की खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पूरी हुई कैबिनेट की बैठक में विभाग के तहत होने वाले इन बहाली के लिए नए पद सृजित करने के एजेंडे पर मुहर लगा है। जहां कैबिनेट की बैठक में विभाग के तहत आने वाले नेचर सफारी, राजगीर के स्थायी और सुचारू संचालन के तहत कई तरह के कोटि के कुल 38 पदों के सृजन की स्वीकृति और विभिन्न कोटि के कुल 35 वाहनों के क्रय की अनुमति दी है। इसी तरह पर्यावरण एवं वन विभाग के तहत आने वाले इको पर्यटन के विकास के नियमित इको पर्यटन संभाग की स्थापना और इस संभाग के लिए विभिन्न कोटि की कुल 224 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावे नीतीश कुमार सरकार के इस विभाग ने राजगीर जू सफारी के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। नहीं थम रही है संक्रमण की रफ्तार, बिहार में कोरोना के 132 नए मामले मिले, एक्टिव केस 333 के आसपास। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में आज कोरोना के 132 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 333 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज गया जिले में मिले हैं, उसके बाद पटना में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बता दें कि कल बिहार में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए थे, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 215 थी। इन आंकड़ों को देखकर यही समझा जा सकता है कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि सावधानी नहीं बरती गई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। नालंदा के सिलाव में चिकित्सा प्रभारी और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। नालंदा में अब तक 3 एक्टिव केस मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, यदि सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। इसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए हैं। कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही है। ऐसे में इससे बचाव के लिए लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व सैनिटाइजेशन हर हाल में करना होगा और लोगों को फिर से कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा। मंच पर सीएम नीतीश ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा मेरी बात ध्यान से सुनिए। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते गुरुवार को समस्तीपुर में थे। सभा में मंच से जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश फिर गर्म हो गए। इस बार उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल जब नीतीश कुमार नीरा और ताड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तभी कुछ अधिकारी आपस में बातें करने लगे, तभी सीएम की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने भरे मंच से अधिकारियों को फटकार लगा दी। सीएम ने कहा कि आप लोग आपस में ही बात करते रहे हैं या मेरी भी बात सुन रहे हैं। सीएम उस समय वह ताड़ी और नीरा को लेकर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी अपनी समाज सुधार अभियान में नीतीश कुमार गरम हो गए थे, वह मीडिया पर भड़क गए थे। उन्होंने मीडिया से यह तक कह डाला कि क्या आप लोगों को समाज सुधार कार्यक्रम से नफरत है, अगर ऐसा है तो चले जाइए यहाँ से। और आज उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगा दी। बिहार में खाद खरीदने के लिए भगदड़ में आधा दर्जन लोग घायल, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दिया भरोसा बेकार। केंद्र और राज्य सरकार के हर भरोसे के बावजूद इन दिनों बिहार में खाद की किल्लत कम नहीं हो रही है। खाद को लेकर किसान कितने परेशान है, इसकी तस्वीरें अलग अलग जिले में सामने आ रही है। आधी रात को हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच किसान खाद के इंतजार में अलग अलग बिक्री केंद्रों पर खड़े नजर आ रहे हैं। ताजा खबर अररिया जिले से सामने आई है, जहां खाद वितरण केंद्र पर भगदड़ होने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 8 महिलाएं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से रियायती दर पर खाद वितरित किया जाएगा। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वितरण सेंटर पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए प्रशासन के पास सुविधा नहीं थी और दूसरी तरफ कुछ देर बाद ही भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 8 महिला घायल हो गई है, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सरकारी खाद वितरण सेंटर के बाहर भगदड़ की यह घटना फरबिसगंज के नरपतगंज की है। यहाँ उचित दरों पर खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे और धीरे धीरे सैकड़ों की तादाद में लोग जुटने लगे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सही प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से कुछ देर में ही भगदड़ मच गई, जिसके बाद खासकर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई।
नए साल में उपभोक्ताओं को झटका देगी बिजली, शहरी कंज्यूमर के लिए दो स्लैब की तैयारी। आने वाले साल में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। जी हां, बिहार की बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव दिया है, जिस पर 13 जनवरी से जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब दो स्लैब में बिजली की कीमतें वसूली जाएंगी। फिक्स चार्ज में 10% और बिजली दरों में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 तक 4 स्लैब थे, जिसे 2020 में घटाकर 3 स्लैब कर दिए गए थे। वहीं अब 2 स्लैब करने का प्रस्ताव है। शहरी का पहला स्लैब 0 से 100 यूनिट और दूसरी स्लैब 101 से अधिक यूनिट का है, और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब है। जिन 3 स्लैब में पहला स्लैब 0 से 50 यूनिट, दूसरा स्लैब 51 से 100 यूनिट और तीसरा स्लैब 101 से अधिक यूनिट का है। समय पर नियमित बहाली और ट्रेनिंग नहीं करा पा रही है सरकार, अब पुलिस महकमे में भी कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजन की तैयारी। बिहार पुलिस में अलग अलग पदों पर बहाली और नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार समय पर पूरा नहीं करा पा रही है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट पर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली करने की तैयारी है। जहां पुलिस महकमे में भी अफसरों और अन्य कर्मियों की कमी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब रिटायर हो चुके पुलिस कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट में बहाली होगी। बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भारी कमी है, इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले दिनों बिहार दरोगा का रिजल्ट भी अंतिम तौर पर सामने आ चुका है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सरकार के सुस्त रवैये के कारण मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार का पूरा फोकस नियमित बहाली के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराने को लेकर नजर आ रही है। 12वीं पास के लिए बिहार पुलिस में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 53,000 तक मिलेगी सैलरी। बिहार पुलिस बेहतरीन मौका लेकर आया है। सरकारी नौकरी 2022 के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास सिपाही बनने का सुनहरा अवसर है। राज्य में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधीन मद निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। राज्य में शराबबंदी की सख्ती के बीच मद निषेध सिपाही के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए 19 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट आने वाले 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मद निषेध सिपाही बनने के लिए लिखित परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। वहीं इस एग्जाम में जो अभ्यर्थी चयन होंगे वे आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दे दिया जवाब। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेता आमने सामने आ जा रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि बिहार को पर्याप्त पैसा मिल रहा है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, वहीं जेडीयू के नेता लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह पूरे बिहार की मांग है। भाजपा के लोग भी इस सरकार का हिस्सा है। वो लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, तो वो ही बताएं कि केंद्र से मिल रहा पैसा कहां जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की श्रेणी में लाना है, इसीलिए इसे विशेष पैकेज की जरूरत होगी। नीतीश कुमार अपने स्तर से विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेमो प्रदर्शन, बोले कृषि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल एक अच्छा मिसाल। बेगूसराय में शनिवार को वन द्वार कोठी में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेती में इस्तेमाल कर एक डेमो प्रदर्शित किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तकनीक का जमाना है। देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन पर भी जोर दिया है। कृषि में हम ड्रोन का इस्तेमाल फलदार पेड़ों में छिड़काव, नैनो फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कर सकते हैं। आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलुरु का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में जो ड्रोन का उपयोग कर रहा था, उन्हें बेगूसराय में पहली बार बिहार की धरती पर उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि 60 से 70 दशक के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया, बिहार में बेगूसराय कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा, ये एक अच्छा मिसाल है। उन्होंने बताया कि हम जीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रयोग कर उनके खेतों में और गाँव के खेतों में
में सेवा देने का काम किया जाएगा। इसके लिए रविवार को जीविका दीदियों को छोटे ड्रोन पर ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये रोजगार का अवसर देगा। बिना मास्क के महावीर मंदिर में एंट्री पर ब्रेक, श्रद्धालु से अपील, दर्शन पूजन के लिए ही आए, बेवजह नहीं रुके। महावीर मंदिर पटना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया करें। इसके साथ ही सुबह 10 से 12 बजे तक मंदिर में भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, इसीलिए इस अवधि में भक्तों को मंदिर आने से परहेज करना चाहिए। मंदिर में एक बार ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भक्तों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए। इससे मंदिर में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत होगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।